क्या क्या रूटीन होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। रात में मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद क्या देख के क्या मैं मॉर्निंग बेड में उठने से लेकर सोने तक का क्या रूटीन रहता है वो आपको पता चल जाएगा आज के बाद। अगर जब प्राइस रुकने लग जाता है उसके बाद कोई भी हल्की सी भी कैंडल आती है ना तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आपका फिर अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आपकी ट्रेडिंग काफ़ी सही चल रही होगी। आज तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और हवा के साथ साथ ही माइक में भी हवा आ रही होगी। तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज किया और आज मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगा डेली का रूटीन। ओके तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपना बिस्तर। तो दोस्तों अभी बिस्तर वगैरह सेट हो गया है, मार्केट खुलने में अभी टाइम है तो मैं थोड़ा सा नहा धो लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ। फ्रेश व्रेश करके नहा धोगे फिर बैठेंगे हम सेटअप। तो दोस्तों अब नहा लिया है भाई ने तुम्हारे, अब मैं बनाऊंगा कॉफी। नहीं बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा। दोस्तों सब नहा धो लिया है एकदम ऑलमोस्ट रेडी अपना सेटअप और मोनो भी बच चुके तो सेटअप कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी और अभी आपको सेटअप टूट दूंगा मैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप उसका टूर मिलने वाला है। तो आपको कैसा लगेगा ट्रेडिंग सेटअप आप बताना, मैं कंप्लीट स्टूडियो टूर देने वाला हूँ आपको। और अभी मेरा जो ऑलमोस्ट सेटअप है रेडी हो चुका है, अब हम बैठते हैं, अब हम करते हैं ट्रेड। अब देखते हैं आज फ्राइडे, आज क्या रहती है ट्रेडिंग, कैसा रहता है मार्केट का कंडीशन। और अभी देखें तो मार्केट हो चुका है ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है मतलब। और अगर आप देखोगे तो प्री ओपनिंग टाइम हो रहा है अभी 9:11 और प्री ओपनिंग थोड़ा सा फ्लैट टू ये हल्का सा नेगेटिव सेटल हो रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का आज सिचुएशन। तो अभी मेरा जो दूध है वो मैंने पिया भी नहीं था, लेकिन मैं उससे पहले स्कैल्प कर चुका हूँ भाई यहाँ पे। और फिर निफ्टी के अंदर मार्केट देखो सभी के सभी नीचे फॉल कर रहा है और निफ्टी भी है। तो थोड़ा सा आज है फ्राइडे तो मैं फिर निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट रुक रहा है तो इसलिए मैं इसमें से एग्जिट कर गया। मैं इसमें मोमेंटम में घुसा था और अराउंड इसमें अपन ने जो बुक कर लिया 20,000 और मोमेंटम में ही ट्रेड करके हम इसमें गए थे, ठीक है। तो इसी कैंडल में एंटर कर चुका था और इधर कहीं मैं एग्जिट कर गया हूँ 70 के आसपास, क्योंकि ये रुक रहा है देखते हो यहाँ पे रुकता है। फिर उसके बाद रुकने के बाद अगर जब प्राइस रुकने लग जाता है उसके बाद कोई भी हल्की सी भी कैंडल आती है ना तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं, तो ये रिस्क होता है थोड़ा सा। अगर आपको आपके एक्सपेक्टेड टारगेट नहीं मिल रहा इमीडिएट है ना तो थोड़ा सा, और खासकर स्कैल्पिंग में, मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, और खासकर स्कैल्पिंग में आपको एक्सपेक्टेड टारगेट नहीं मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड में ज़्यादा देर रुकने का। देखो अभी एकदम से वहाँ से प्राइस सीधा नीचे फॉल कर गया है, तो क्योंकि ऑप्शन बायर को एक स्पीड चाहिए होती है, स्पीड मोमेंटम चाहिए होता है। अगर उसमें पैसा नहीं बनना है तो फिर रुकना नहीं है, वेट कर जाते हो तो फिर लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया जोन में बना के रखा हूँ और इस यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के पास और इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो ये रहा एक सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ पर रुका होल्ट किया था मार्केट फिर यहीं से वापस उठ रहा है, तो ये रहा सपोर्ट जोन। तो चलो देखते हैं, अब हम पी लेते हैं थोड़ा सा दूध। तो भाई एक और स्कैल्प सिर्फ इस पर नाइन ई एम पर आ रहा था रेजिस्टेंस पर, मैंने वापस से उसको उठा लिया और 36,000 हमारा फिर से इसमें बन चुका है। तो आप देख रहे हो नाइन ई एम 60 से नीचे का जैसे इजेक्शन लेने लग गया था ये 65 के ऊपर गया, मैं वापस से उठाया और इसको ये देखो काफ़ी अच्छा है, इसमें स्कैल्पिंग मूव मिला था और स्कैल्पिंग मूव अभी हम आ चुके हैं 36,000 रुपीज़ की प्रॉफिट पे। और अभी अपना दूध भी गर्म नहीं हुआ है अभी, इसे फिर निफ्टी में इस पर चल रहा है। अभी फिर निफ्टी रुक रहा है, मेरे को कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं कि अब मूव दे सकता है यहाँ से थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पा चुका है, बैंक निफ्टी भी रुका पड़ा है। चलो देखते हैं अभी क्या रहता है। और अभी अपन 36,000 बना चुके हैं, अभी फर्स्ट 45 मिनट ही 30 मिनट ही हो रहा है, तो फर्स्ट 30 मिनट में हमारा कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी देखते हैं, बाकी फैन भी घूमते रहता है तो फैन की वॉइस भी आती है। तो अभी जो मार्केट है पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है देख रहे हो साइडवेज। तो मैं आज वही था कि हाँ फ्राइडे है कुछ ज़्यादा कुछ, कल बहुत वोलेटाइल मूव है तो अभी तो फर्स्ट हाफ में तो कोई मूव आने से रहा, क्योंकि कल बहुत अच्छा मूव दे चुका, बहुत अच्छा पैसा बन चुका है लोगों का, तो कुछ खास है नहीं मूवमेंट। बट अपन जो सुबह ही ट्रेड किए थे वही अभी तक है फाइनल, दो छोटे स्कैल्प किए थे 36,000, ठीक है। अभी देखते हैं अभी क्या देता है हमारा, और बाकी अभी तक तो पूरा साइडवेज है, तब तक अपन देख रहे कुछ, तो लेट्स सी। हाँ तो दोस्तों अभी
खाना बना के जा चुके हैं, आंटी आती है खाना बनाने के लिए और उन्हें बना दिया खाना और अभी मैं खाऊंगा। और अपना जो ट्रेड है वो अपना एक अभी चला है और वही बिग बॉस, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं। तो अपना स्क्रीन पे ये आए थे बिग बॉस पे और फिर से अगेन ये देखो मार्केट रेंज और ये ब्रेकआउट हुआ था। आपको अगर मैं अपन को पैटर्न बनाने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट आपको मैं बना के एक बार दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है, क्या चीज़ देख रहा था मैं तब से। ये देख लो आप, ऐसा आप जा मार्केट को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा, बस आपको प्राइस एक्शन से बिहेवियर से समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ देखो यहाँ पर बना था एक बिग बॉस, बिग बॉस पे ही मैं एंट्री किया और 80 के प्रीमियम पे उठा के इसको 90 में एग्जिट मारा हूँ। सो 10.1 तो इस कह सकते हो 10% के आसपास मैंने इसको कैप्चर किया। तो अभी हम चल रहे हैं 59,000 के प्रॉफिट पे और इस वाले ट्रेड में फिर निफ्टी की 19600 के कॉलम पे अराउंड 23,000 अपना बना था। तो 10% का रिटर्न सीधा सीधा है इसमें और ये अपना ट्रेड 59,000 और काफ़ी अच्छा है पैटर्न। पैटर्न के बाद इमीडिएट हमारा यहाँ टारगेट और ज़्यादा देर में वेट करता नहीं हूँ क्योंकि मार्केट स्लो है, आज रुक रहा है, रेंज में है, स्लो है। सो अभी देखते हैं और अभी हम कहाँ करते हैं क्लोज। बाकी सारा मार्केट अगर देखो तो सब कुछ ही अभी उतना, कल एक बड़ा मूव था तो आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर हो सकता है कि एक मूव दे। चलो देखते हैं। तो सेम बिग बॉस को मैंने पकड़ा था और सेम बिग बॉस को यहाँ अपनी ग्रुप में भी बंदों ने पकड़ा है। ये देखो यहाँ पर सेम ट्रेड इनने किसी ने लिया था, वो भी शेयर किया है मेरे को, इनने भी सेम ट्रेड, तो बहुत बढ़िया अच्छा है। अगर कोई वाइब मैच होती है किसी की तो माइंडसेट मैच होता है तो ठीक है, ऐसे ही काम करो, लगे रहो। बाकी अभी देखते हैं क्या है मार्केट, तब तक अपन देखते हैं मूवी। अभी दोस्तों अभी मार्केट 2 PM कैंडल के बाद कुछ मूवमेंट नहीं आया है, फिर निफ्टी स्लो एंड स्टडी आ रहा है, निफ्टी रुका पड़ा है। और अपना अगर प्रीमियम देखे तो प्रीमियम भी उतने खास तरीके से भाग नहीं रहे जैसे भागनी चाहिए। तो थोड़ी देर इसको रोक के अब तुम्हारा भाई आएगा खाना खाने, भाई बहुत भूख लगी है। अपन बनाए बने हुआ खाने को करेंगे गर्म और लाइट कहाँ से है, तो जो अपना खाना वाना होगा गर्म, उसको गर्म किया जाएगा भैया। बना के गई थी आंटी कुछ दाल बना के गई है, खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है और ट्रेड भी मेरा, एक और ट्रेड में खाना खाने बैठा था तो एक ट्रेड भी और लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं निफ्टी में गया था क्योंकि फिर निफ्टी का थोड़ा सा वोलेटाइल मूव, इसका प्रीमियम ऐसा वो मूवमेंट नहीं दे रहा है मतलब, और निफ्टी थोड़ा सा फ्राइडे है तो थर्सडे को एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मेरे को सेफ साइड लगा। और अभी जो हम अभी पहुंच चुके हैं, आज भी अगेन हम ग्रीन, पूरा वीक ग्रीन में निकाला है और ये भी हम 71,000 के प्रॉफिट में आज कर रहे क्लोज। बाकी सेंसिबल का मैं आपको दिखा दूंगा, इसको मार्केट क्लोज होने के बाद ही होता है। 2:35 हो रहे हैं तो अभी ये है, अभी 3 PM का वेट करता हूँ, ठीक है। 3 PM पर अगर अपने को कोई ट्रेड मिलेगा तो अपन ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो अपन फिर जाएंगे ना, क्योंकि मैं आपको एक फुल टाइम ट्रेडर का क्या रूटीन होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या रहता है, फिर उसके बाद रात में मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद क्या देख के क्या मैं मॉर्निंग बेड में उठने से लेकर सोने तक का क्या रूटीन रहता है वो आपको पता चल जाएगा। हाँ तो दोस्तों अभी मार्केट 3 PM पे आप देखोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, अभी कोई नो ट्रेड जोन पे है। और अब मैं थोड़ा सा निकलता हूँ बाहर की तरफ घूमने, क्योंकि बाहर का जो मौसम अगर आपको दिखाऊं तो इससे बाहर का देखो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मेरा दोस्त आया है, कल चले आएगा, तो अभी अपन रेडी हो गए, निकलते हैं थोड़ा सा घूमने। तो खाना इन्हें टास्क दे दिया गया है कि यहाँ जब मैं आऊँगा तो मेरे पास इनको एक स्टूडियो सेटअप करके देना है, तो आके वो मुझे क्लास कैसे आना पड़ेगा तो आके मैं क्लास वगैरह देखूंगा, अभी स्टूडियो अपना है रेडी, फिर अभी मैं निकलता हूँ, फिर आके मिलते हैं। हाँ तो करते हैं अपना स्टार्ट। तो हम इसको लेने के लिए पहुँच गए भाई, आ गया, अब कहाँ से लेगा घूमने तो अब जाएंगे रुद्रपुर घूमने के लिए, तो अब हम निकलते हैं। ओह तो हम आ गए अब KFC से हम चलते हैं अब घर को वापस हल्द्वानी की तरफ, हम आए थे रुद्रपुर। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर घूम के बाहर और जो मैंने कहा था टास्क वो टास्क ऑलमोस्ट रेडी चल रहा है। ये मत दिखा, ये सरप्राइज था, सरप्राइज तो अभी उसमें जाएगा ना। तो ये चल रहा है भाई डे इन द लाइफ ऑफ फुल टाइम ट्रेडर। तो अभी यहाँ रेडी है, अभी मेरे को अभी फिर अभी क्लास है, मेंटोर करता हूँ, तो मैं मेंटोरशिप है, काफी टाइम से मैं क्लास मिस हुई थी क्योंकि मैं ऐसे शिफ्टिंग कर रहा था अपना, और अभी थोड़ा क्लास लेते हैं फिर करते हैं डिस्कस। हो तो फाइनल दोस्तों अपना
हो गया क्लास, अब एक काफी बहुत दिनों बाद लिया था मैंने, और मैं थोड़ा टेस्ट भी कर रहा था कि कैसे कैसे काम करती चीजें, फिर मैं आपको स्टूडियो टूर दूंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। हम अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, आवाज अंदर अंदर दब जाती है भाई, बहुत जबरदस्त है अपना जो सेटअप है। अभी मैं थोड़ा सा, मेरे को चार्ट वार्ट में थोड़ा और चीजें सीख रहा हूँ, है ना। अभी मन देर में आ गया, अम्मो याद में आ गया, ठीक है। तो अभी मैं चार्ट वार्ट, तो आज मैं वैसे थोड़ा बहुत एनालिसिस करता हूँ शाम को, चार्ट वार्ट देखता हूँ, बट अब कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो अभी मेरे को कोई देखने की वो नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा ये सिस्टम है जो मैंने अभी बंदी कर रखा है, तो क्लास हो गया है, बाकी सुबह से मेरा आपने रूटीन देख लिया। अभी मैं खाना खाऊंगा, फिर खाना खा के थोड़ा सा मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, क्योंकि मैंने जो स्क्रीन लगा दी है यहाँ पर, और न्यूज़ उस तो ठीक है, लेकिन नेटफ्लिक्स अब ज़्यादा चल रहा है, मूवी ज़्यादा चल रही है, थोड़ा सा नेटफ्लिक्स मूवी भी देखूंगा कुछ खाते खाते, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, एंड उसके बाद आराम नींद आएगी, फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही था मेरा एक फुल टाइम ट्रेडर का डेली रूटीन, सुबह उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, ट्रेडिंग सेटअप, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, ट्रेडिंग सेटअप पर बैठना दिन भर 6 घंटे के आसपास, मतलब बैठता है आदमी, ट्रेड्स देखना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खाना आना खा के फिर वापस मार्केट खोजने के बाद थोड़ा सा घूमने आना, फिर वापस घर पर आना, फिर सेटअप रेडी करके जो मैं पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ चीज़ें, थोड़ा क्लासेस वगैरह लेना, और उसके बाद थोड़ा सा फिर रात को खाना खाना, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना, और उसके बाद सो जाना। तो यही अपना पूरा दिल का एक ट्रेडर का रूटीन था, जो और जो आज का प्रॉफिट था अराउंड 71,000 वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो जो आज का अपना प्रॉफिट रहा है मेरे ट्विटर पर जाके वो देख सकते हो, वेरीफाइड चीज़ें अपनी अब डलती हैं रोज की रोज। तो आज का था अराउंड 71,772, ठीक है। तो आप ये जाके इस पर ऐसे क्लिक करते हो तो सेंसिबल वाला खोल के दे देता है, ठीक है। तो ये आज का था अराउंड 71, ओके, और कल का 78, परसों का 71, ये 70 वाला चल रहा है रेशियो आजकल, ठीक है। तो आज का अपन यहीं पे किए थे क्लोज, बाकी ये था आज का मेरा रूटीन, एक मेरा कंप्लीट रूटीन, और अभी और वीडियो बनाऊंगा मैं और रूटीन के, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जैसे एक्सरसाइज के लिए आना, स्विमिंग के लिए आना, वो सब चीज़ें मैं करने वाला हूँ, क्योंकि बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जो बिग बास स्ट्रेटजी मैंने जो ट्रेड्स लिए थे मैंने आपको ऐप के अंदर शेयर किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो, बट सीखे बिना बिल्कुल मत करना है। बाकी आप चैनल पर नहीं हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं डेली अपनी ट्रेडिंग ब्लॉग्स डालता हूँ तो डेली आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आप मेरा अगर ब्लॉग देख रहे हो 8-10-15-20-15 मिनट एटलीस्ट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि यार क्या करता है और किस चीज़ से पैसा बना रहा है। जो मेरा करता हूँ वो है ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, वही ट्रेड करता हूँ उस वो, और वही ट्रेडिंग ही हमारे एक सोर्स ऑफ इनकम है। अभी तो बहुत सारे हैं बट ट्रेडिंग से भी आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है, बट टाइम लगता है, तो सीखो समझो और ट्रेडिंग करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।